हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं सभी आप लोग? सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी आ जाइए, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपको पता ही है स्वेल्स का टॉपिक चल रहा है हमारे पीसीएस की क्लास में, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए जल्दी से सभी आ जाइए, जितने भी हैं पहले सभी एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी आ जाइए, सभी का स्वागत है, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी आप लोग? देखिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतने में सब्जेक्ट एंड टॉपिक का नाम डाल देती हूँ। सोयल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर मिट्टियों के विषय में। देखिए आपको मैंने पहली क्लास में, हमारी पहली क्लास हो गई है मिट्टी की, मैंने आपको बताया कि मिट्टी कौन सी अम्लीय होती है, कौन सी उदासीन होती है। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ दो चार मिनट, इतने आप सबको ही आ जाएंगे। और फिर हम जब सब आ जाएंगे फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, मैंने आपसे बोला कि उदासीन मिट्टी आप कैसे पता करेंगे? आप बोलेंगे जिसका मान 7.0 होगा वो उदासीन मिट्टी होगी। आपसे पूछेंगे अम्लीय मिट्टी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे जिसका उसकी पीएच मान कितना होता है अम्लीय मिट्टी का, तो आप बताएंगे 7.0 से कम जिसका मान होगा वो अम्लीय मिट्टी होगी। आपसे पूछा जाएगा क्षारीय मिट्टी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे क्षारीय मिट्टी मैम जिसका मान 7.5 से अधिक रहेगा वो क्षारीय मिट्टी रहेगी। 100% क्लियर। आपसे पूछा जाएगा कि अम्लीय मिट्टी को दूर करने, अगर अम्लीय मिट्टी में ज़्यादा अम्लीयता है, अम्लीय मिट्टी में ज़्यादा अम्लीयपन है, तो आपको उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप ये बताएंगे अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो हम उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होगी तो इसलिए ही वो अम्लीय मिट्टी होगी। अगर अम्लीयता हमें दूर करनी है तो हमें उसमें चूने को ऐड करना पड़ेगा, चूने का प्रयोग करना पड़ेगा उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए। मेरी बात आप ध्यान से समझ रहे हैं? मैं आपसे बोल रही हूँ मिट्टी में अम्लीयपन ज़्यादा है तो आप उसको कैसे दूर करेंगे, तो आप बताएंगे चूने का प्रयोग करके हम उसको दूर करेंगे, लाइम का प्रयोग करके हम उसको दूर करेंगे। आपसे पूछा जाएगा मिट्टी क्षारीय है तो उसको कैसे दूर करेंगे, उसकी क्षारीयता को, तो आप बताएंगे उसकी क्षारीयता को हम कैसे दूर करेंगे, उसमें जिप्सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम का प्रयोग करके उसकी क्षारीयता को हम कम कर सकते हैं, जिप्सम का प्रयोग करके हम उसकी क्षारीयता को कम कर सकते हैं। क्लियर सभी को? आपसे एक और क्वेश्चन मैं रिवाइज करवा देती हूँ। आपसे देखिए अम्लीय मिट्टी कैसे पता करेंगे ये अम्लीय मिट्टी है, तो आप बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन्स की मात्रा अधिक होगी वो अम्लीय मिट्टी है। आपसे पूछा जाएगा क्षारीय मिट्टी कैसे पता करेंगे, तो आप बताएंगे जिसमें पोटेशियम व सोडियम ऋणायनों की, पोटेशियम व सोडियम ऋणायनों की मात्रा अधिक होगी वो क्षारीय मिट्टी होगी। क्लियर सभी को? देखिए पूरा मैंने बता दिया उदासीन अम्लीय क्षारीयता दूर करने के लिए क्या करना है, कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है, कौन सी मिट्टी क्षारीय होती है, उदासीन मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। क्लियर सभी को? आगे चलते हैं। देखिए अब आपसे मैं बोलती हूँ कि भारतीय मृदा का वर्गीकरण, तो देखिए पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोयल फॉर्मेशन, इस सोयल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस सोयल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि ये निर्मित कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, निर्मित या इसका निर्माण कैसे होता है, तो आप बताएंगे इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अपर क्रस्ट। मिट्टी की ऊपरी सतह के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। पहली बात क्लियर, यानी कौन सी सतह हम मिट्टी की टुटवा रहे, तोड़ रहे हैं, मिट्टी की ऊपरी सतह के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हो रहा है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अपर क्रस्ट। देखिए मैं बार बार आपको डेफिनेशन बोल रही हूँ कि मिट्टी की ऊपरी क्रस्ट। अब देखिए जो पृथ्वी है वो तीन भागों में बटी हुई है, कोर, ये तो हो गया कोर अंदर का, इसको बोलते हैं मेंटल, इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं मिट्टी का, मेंटल, एंड लास्ट ये है हमारा, इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो देखिए मिट्टी की ऊपरी सतह, तो मिट्टी की ऊपरी सतह कौन सी हो गई, आप खुद अब मैप में देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं, मिट्टी की ऊपरी सतह हो गई ये वाली। आपसे मिट्टी की ऊपरी सतह के टूटने फूटने से मिट्टी की
पृथ्वी की, मिट्टी की नहीं, पृथ्वी की ऊपरी सतह के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कौन सी होती है? तो आप बताएंगे अपर क्रस्ट, ये क्रस्ट है, ठीक है, ओके, क्लियर सभी को। अब बात करते हैं, देखिए कौन वेदरिंग करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि तोड़ने फूटने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहले कुछ कुछ आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप इकट्ठी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम जो है टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। और देखिए ये तो आपको पता ही, अच्छे से चीज़ें याद होंगी तभी तो आपका पेपर भी क्लियर होगा, आपको ऊपर पढ़ने से पीसीएस एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। तो देखिए वेदरिंग एंड अब देखिए वेदरिंग कैसे, अपरदन करने वाले कारक कौन होते हैं, अपरदन करने वाले कारक, अपरदन करने वाले कारक यानी कि वेदरिंग करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वेदरिंग किससे होगी आप बताएंगे, वेजिटेशन से होगी, एयर वाटर वेजिटेशन, एयर वाटर, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, क्लियर, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। और आपको इतनी बात ध्यान रखना है कि यदि तोड़ने फूटने वाले कारक कौन से होते हैं, वेजिटेशन, एयर वाटर, डिफरेंट क्लाइमेट ऑफ कंडीशन, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, जब कोई चीज़ कैसे टूटती है, जब लाखों वर्षों तक एक ही प्रक्रिया चलेगी, धूप, तेज़ धूप पड़ेगी, तेज़ गर्मी होगी, तेज़ वर्षा होगी, तेज़ बरसात होगी, तो देखिए अपना आप उसका जो है अपरदन होने लग जाता है, अपरदन मीन्स चीज़ें अपना आप ही टूटने फूटने लग जाती है, 100% क्लियर। अब एक और पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, स्टडी ऑफ सोयल, स्टडी ऑफ सोयल किसे कहते हैं आप, स्टडी यानी कि मिट्टी के, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, आप बोलेंगे पेडोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है मिट्टी का अध्ययन। और आपको एक और बात, देखिए मिट्टी में खनिज पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है मिट्टी की खनिज के बारे में। ये मैं छोटे छोटे टॉपिक बांट के बता रही हूँ कि पेडोलॉजी क्या होता है, तो यानी कि मिट्टी का अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। आगे चले इसके बाद, देखिए अब आप मिनरल्स के विषय में पढ़िए, क्योंकि मिट्टी में मिनरल्स भी विद्यमान होते हैं, यानी मिनरल्स का भी अस्तित्व होता है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में कि मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब आपको याद रखना है, देखिए ये मैंने लिखा मिनरल्स, आप भी सेम एज इट इज़ लिख लीजिए मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि खनिज, इनको बोलते हैं खनिज। आप देखिए एक मिनट, खनिज यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर खनिज दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और एक होता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब आप बताइए इसको बोलते हैं कार्बनिक, और ये होता है अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज और ये होता है अकार्बनिक खनिज। अब आपसे देखिए, आप कैसे, आपको पता है, देखिए कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा कि कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज में हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कार्बनिक है ये अकार्बनिक है, कैसे पता करेंगे कि ये कार्बनिक खनिज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अकार्बनिक खनिज खनिज में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का अस्तित्व है। तो आप बताएंगे कार्बनिक खनिज में, देखिए कार्बनिक खनिज में सिर्फ डेड लीव्स ही होंगी, सिर्फ डेड लीव्स यानी कि पेड़ पौधों की सिर्फ हरे, जो मरे
पेड़ पौधे की पत्तियां होंगी वो नीचे गिरेंगी, वो मर गई, गल गई, सड़ गई, उनको कौन गलाता सड़ाता है? उनको गलाने सड़ाने का काम सूक्ष्म जीवाणु और कवक के द्वारा इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांटा जाता है, छोटे छोटे कणों में इनको विभाजित किया जाता है। यानी कि मिट्टी को, ये जो डेड लीव्स हैं इनमें सिर्फ कार्बनिक खनिज में हरे पेड़ पौधों की मरी हुई पत्तियाँ ही पाई जाएंगी, पेड़ पौधों की मरी हुई पत्तियाँ ही सिर्फ कार्बनिक खनिज में रहेगी। इतना सा आपको याद रखना है। अकार्बनिक खनिज में डेड लीव्स के साथ साथ डेड एनिमल्स भी रहेंगे। डेड एनिमल्स यानी कि मरे हुए पेड़ पौधों के साथ साथ मरे हुए जीवों के अवशेष रहेंगे, मरे हुए सड़े गले जीवों के अवशेष रहेंगे, चाहे वो पक्षी हो, कोई जानवर हो, मतलब वो मिट्टी में मिलेंगे। मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है इन मरे सड़े गले जीवों को? आप बताएंगे, मिट्टी में गलाने का काम इनको जीवाणु और कवक करते हैं। कौन करते हैं? जीवाणु और कवक। 100% आपको मेरी बात याद रखनी है। मैंने आपको कार्बनिक अकार्बनिक खनिज के बारे में बता दिया है। इनमें आपसे कोई डिफरेंस बताने के लिए कहने लगे तो आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये कार्बनिक है ये अकार्बनिक? कार्बनिक ये डेड लीव्स, सिर्फ इसमें पेड़ पौधों की मरी हुई पत्तियाँ आएंगी, इसमें डेड लीव्स के साथ साथ डेड एनिमल्स भी आएंगे 100% के लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको खनिज भी पता चल गए, उत्पत्ति के आधार पर बताएं, सिर्फ इसको मैं रफ कर रही हूँ, खनिज भी आपको पता चल गए हैं। दूसरी बात बताती हूँ उसके बाद। देखिए, सब क्लियर से क्लियर है? एक बार कमेंट्स में बोली यस मैम क्लियर है, और लाइक और कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जब आपको चीज़ें क्लियर लग रही हैं। आगे चले, देखिए आगे आपको आपको देखें, अब मैं बताती हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोयल। तो क्या हो गया, यानी कि मिट्टी के प्रकार हम यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपके सामने। मिट्टी के प्रकार आपको मैं बता रही हूँ। किसके प्रकार? मिट्टी के प्रकार। अब देखिए, मिट्टी के प्रकार एक तो मैं बताती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी कि उत्पत्कणों की, किसके आधार पर? कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर देखिए मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे सैंड, सिल्ट और क्ले। सिर्फ सैंड, सिल्ट, क्ले आपको नाम लेना है। तो बालू मिट्टी, ये होती है सिल्ट, और ये है चिकनी मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। तो आप बता सकते हैं ना कि कणों के आधार पर मिट्टी को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो आप बताएंगे तीन पार्ट्स में बांटा गया है, सैंड, सिल्ट, क्ले। क्लियर? इसके बाद चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकार, किसके आधार पर? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इकार, इकार। अब इकार क्या होता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये 1986 में जो है स्थापित हुआ था। पहली बात इकार की मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देती हूँ। इकार की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लिख लेते हैं फुल फॉर्म भी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के आधार पर मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। भारतीय मिट्टी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो आप बताएंगे 8 टाइप्स में बांटा गया है। किसके आधार पर? इस इकार के आधार पर मिट्टी को 8 टाइप्स में बांटा गया है। तो आप देखिए, सबसे पहले कौन सी? एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, ABRL हो गया। इसके बाद MD माउंटेन और डिजर्ट सोयल। देखिए पहले इतने ही लिख देते हैं, एलुवियल सोयल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर लिख देती हूँ नाम, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद B से ब्लैक यानी कि काली मिट्टी, अपने आप लिख लोगे ना। इसके बाद रेड यानी कि लाल, और इसके बाद कौन सी? लेटेराइट। हिंदी इंग्लिश दोनों के नाम एक ही पे रखे गए हैं, लेटेराइट। इसके बाद M से कौन सी हो गई? माउंटेन सोयल। देखिए माउंटेन यानी कि कौन सी हो गई? माउंटेन, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। इसके बाद कौन सी हो गई? D4 डिजर्ट सोयल। डिजर्ट सोयल यानी कि कौन सी मिट्टी हो गई? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, क्लियर सभी को? कौन सी मिट्टी हो गई? मरुस्थलीय मिट्टी। इसके बाद कौन सी बची? देखिए कितनी हो गई है, गिनिए आपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 7 और 8 नंबर की बची। 7 नंबर की और 8 नंबर की हम यहाँ पर लिख देते हैं, पिटी सोयल यानी कि कौन सी हो गई है? पिटी या मार्शी सोयल, इसको पिटी सोयल को बोलते हैं, मार्शी सोयल यानी कि कौन सी? दलदली मिट्टी, इसको बोला जाता है दलदली मिट्टी। क्या नाम दिया गया है इसको? दलदली मिट्टी। अब हमारे 8 नंबर पर बची है अम्लीय वे क्षारीय मिट्टी, इसको बोलते हैं एसिडिक वे एल्कलाइन सोयल। क्लियर सभी को? एसिडिक वे एल्कलाइन सोयल आपकी। देखिए मैंने पूरी की पूरी जो है ये मिट्टियाँ लिखवा दी हैं, सभी लिखवा दिए। अब वन बाय वन करके इनका हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन मीन्स हम इनकी पढ़ाई करेंगे। पहले जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ मैं ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए जलोढ़ मिट्टी आपको ध्यान रखना है, भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को घेरे हुए है, यानी कि जो एलुवियल सोयल है भारत के 43% क्षेत्रफल को कवर करती है। जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो दो प्रकार की होती है, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल, यानी कि पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। आपसे पूछा जाएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है और नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको याद रखना है जो बांगर नाम से जिसको बोला जाता है वो होती है ओल्ड एलुवियल, वो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी किसे को बोला जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आप जवाब देंगे नई जलोढ़ मिट्टी की संज्ञा खादर मिट्टी को दी जाती है। किसको दी जाती है? खादर मिट्टी को। यानी कि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया, बांगर और खादर। बांगर कौन सी होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, खादर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर मिट्टी बोलते हैं। क्लियर आपको? देखिए चीज़ें 100% क्लियर होनी चाहिए। और जलोढ़ मिट्टी की हम बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है, इनका अस्तित्व कहाँ पर है, तो आप बताएंगे उत्तर भारत का जितना भी, उत्तर भारत के जो मैदान हैं, उत्तर भारत के मैदानों में, यानी कि आप सिंपल सा ये कह सकते हैं उत्तर भारतीय स्टेट में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर भारतीय स्टेट कौन कौन से हो गए, यानी कि उत्तर भारत के मैदान में भारत के कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो आप बताएंगे उत्तर भारत के स्टेट आते हैं, सबसे पहले हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं, पंजाब, इधर राजस्थान, यूपी, यूके, बिहार, जो है सीधे असम, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो है असम घाटी तक जो है उत्तर भारत का मैदान पाया जाता है। असम ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो है
किसका मैदान पाया जाता, उत्तर भारत के मैदान यानी कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदान में, और जितनी भी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी हिमालय से नदियों के द्वारा हिमालय को काट कर लाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के विषय में एक बात ये कही जाती है कि हिमालय को काट कर, किसको काट कर लाई गई मिट्टी है, हिमालय को काट कर यानी कि पहाड़ों को काट कर, जो नदियाँ पहाड़ों से कट कर बहती हुई आती हैं ना, और जो अपने साथ वो मिट्टी लाती हैं, तो पहाड़ों को काट कर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जो है, कौन सी मिट्टी बोला जाता है आप बताएंगे, उसको एलुवियल सोयल की संज्ञा दी जाती है, उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्लियर सभी को? जलोढ़ मिट्टी के विषय में देखिए अभी हम आगे बात करेंगे, अभी के लिए जो है मैं आपको यही बता देती हूँ, आपको 100% चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसी उसके बाद ब्लैक मिट्टी, ब्लैक मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो आप ब्लैक मिट्टी के विषय में बताएंगे कि ब्लैक मिट्टी दो पठार तो आपको 100% याद रखने, एक तो मालवा का पठार और एक है दक्कन का पठार। मालवा के पठार पर जो है ब्लैक सॉयल पाई जाती है और एक दक्कन के पठार पर। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार आकृति में होता है और से लेके पूरा नीचे तक फैला हुआ होता है, तो ये ध्यान रखनी है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी बोला जाता है, यूपी में इसे करेल मिट्टी भी बोला जाता है काली मिट्टी को। तो ये चीजें देखिए, लेक्चर देने के लिए तो बहुत है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन यह है आपको लिखवा के चीज़ें ज़्यादा बतानी है, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद देखिए हम बाद में एक्सप्लेन करूंगी, इतना जो है ये आपको क्लियर हो गया ना, तो ऐसे ही करके एक एक मिट्टी हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि काली मिट्टी, रेड मिट्टी सभी की अपनी अपनी, लाल मिट्टी का रंग कैसे होता है, तो लोह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, ये सब हम जो है अभी आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़े, आपको मैंने बताया था कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस जो है वो भोपाल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कहां पर स्थित है, भोपाल में स्थित है, आपको ये सब पता होने चाहिए। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहां है, तो वो न्यू दिल्ली में है। क्लियर? आगे बढ़े, ये आपको मैं रफ कर देती हूं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है ना? बोलिए यस मैम क्लियर है, और एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चीज़ें देखिए आपको एक एक करके अच्छे से समझ में आएंगी, इतने में रफ कर रही हूँ, इतनी जल्दी से लिखिए यस मैम क्लियर है। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कि टेक्सचर के आधार पर मिट्टी इतने प्रकार की होती है। दूसरा मैंने बताया कि इकार ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने मिट्टी को 8 टाइप्स में बांटा है, भारतीय मिट्टी को। अब एक और बात आप ध्यान से सुन लीजिए, देखिए कौन सी, एक मिनट में आपको बताती हूँ कौन सी। देखिए ये तो मैंने बताया कि कणों के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, इकार के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार की होती है। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट, देखिए पीसीएस में इसी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये जो है पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, पारिस्थितिक आधार पर, किसके आधार पर, पारिस्थितिक। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर मिलता है, पारिस्थितिक आधार पर मिट्टी। पारिस्थितिक आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है आपसे ये पूछा जा सकता है, पारिस्थितिक आधार पर मिट्टी। तो देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ आवाज, एक तो आवाज होती है, आवाज वा और शे, बस मैंने शुरू के नाम यही याद कर रखे हैं, आवाज वाशे,
ट्रिक या ट्रिक समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, मैं शुरू के वर्ड ही याद कर लेती हूँ, यानी कि अवशिष्ट मिट्टी, वाहित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वातोड़ मिट्टी, शैल मिट्टी अथवा मालवा मिट्टी। क्लियर? देखिए, जब हम किसी चीज़ का पहला लफ्ज़ याद कर लेते हैं तो उसी का ही हमें, अब देखिए मैंने आपको लिखा है क्या है इसकी हेडिंग, पारिस्थितिक आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो यानी कि मुझे कुछ एक पारिस्थितिक आधार पर मुझे ये याद रखना है कि आवाज वाशे याद रख लेती हूँ, क्या पता उससे मुझे सब कुछ याद हो जाए। तो ऐसे ही मैंने याद रखा और आप देख सकते हैं, देखिए पूरी मिट्टी मैंने यहाँ लिख दी कि पारिस्थितिक आधार पर मिट्टियों को इतने भागों में बांटा गया। ऐसे अब देखिए क्या क्या बनेगा, आवाज वाशे आप याद कर लेंगे तो इससे हो जाएगा अवशिष्ट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिड्यूल सोयल। कौन सी मिट्टी होती है ये? रेजिड्यूल सोयल, रेजिड्यूल सोयल। देखिए 100% चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। पारिस्थितिक आधार पर मिट्टी सिर्फ इतने ही प्रकार की होती है। इसके बाद है वाहित मिट्टी, वाहित मिट्टी, वाहित जलोड़ आपको पता ही है, जलोड़ मिट्टी। इसके बाद ये वाली कौन सी मिट्टी है, इसको बोलते हैं वातोड़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? वातोड़ मिट्टी। और ये कौन सी हो गई? शैल अथवा मलवा मिट्टी। कोई भी आपसे कहने लगे, देखिए कणों के आधार पर आप बताएंगे सैंड सिल्ट क्ले, इकार के आधार पर 8 प्रकार की, वही आपको बतानी है। मैंने तो पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय पीट, दलदली, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी, 8 हो गई। इसी तरीके से पारिस्थितिक आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो अवशिष्ट मिट्टी, वाहित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वातोड़ मिट्टी, शैल अथवा मलवा मिट्टी। एक मिनट, मलवा मिट्टी। आप देखिए इनको इंग्लिश में भी आपके इनके नाम आ सकते हैं, तो आपको इन्हें इंग्लिश में भी याद करना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में भी आपको इनको नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए शैल अथवा मलवा मिट्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोल्यूवियल सोयल, कोल्यूवियल सोयल बोलते हैं। इनको इंग्लिश में भी आपको नाम ज़रूर याद रखना है अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं? इओलन सोयल, इओलन सोयल। इनके नाम देखिए इंग्लिश हिंदी में, जलोड़ आप जानते ही हैं, एलुवियल सोयल, एलुवियल सोयल। देखिए आज आपको पारिस्थितिक के आधार पर, कणों के आधार पर और इकार के आधार पर मिट्टियों को अलग अलग इतने इतने भागों में बांटा जाता है। वाहित मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सोयल। कौन सी मिट्टी बोल जाती है? ट्रांसपोर्टेड सोयल। देखिए हो गया क्लियर? रेजिड्यूल सोयल, ट्रांसपोर्टेड सोयल, ओलिवियल सोयल, इओलन सोयल, कोल्यूवियल सोयल। अब देखिए इनके काम क्या है, ये पता कैसे करेंगे कि ये मिट्टी ये वाली है, ये मिट्टी ये वाली है, कैसे पता करोगे? देखिए जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है, ये जो मिट्टी है अवशिष्ट मिट्टी, ये कहाँ पड़ी रहेगी? ये मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है, ये बनने के स्थान पर, लिख लेना मिट्टी, ये बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है। तो कैसी मिट्टी कहलाती है? इसको बोला जाता है अवशिष्ट मिट्टी। वातोड़ मिट्टी कैसी होती है? तो ये मिट्टी बनने वाले स्थान से बहकर लाई हुई मिट्टी है, ये कैसी मिट्टी है? बहकर। वाहित मिट्टी क्या होती है? ये मिट्टी, मतलब ये है, बस आपको ये बताना है, ये मिट्टी बनने के स्थान से, बनने के स्थान से बहकर आई हुई मिट्टी है। देखिए बहकर आई हुई, इनमें ये डिफरेंस होता है, बहकर आई हुई मिट्टी। इसमें मैंने ऊपर वाली में आपको बताया कि ये मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है, ये मिट्टी बनने के स्थान से बहकर आई हुई मिट्टी। अब बहेगी किसकी? नदियों के द्वारा ही तो बहेगी, तो नदियाँ इन्हें बहाकर कहीं और डाल देती हैं, तो ऐसी मिट्टी को बोलते हैं वाहित मिट्टी, ट्रांसपोर्टेड सोयल। देखिए जिसका ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, तो ट्रांसपोर्टेड सोयल। अब हम बात करते हैं अपनी जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होंगी? एलुवियल सोयल। ये मिट्टी जल द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है, ये मिट्टी देखिए जैसे जलोढ़, शुरू में क्या लिखा है? जल,
तो क्या लिख देंगे इसके लिए? ये मिट्टी जल द्वारा, ये मिट्टी जल द्वारा दूसरे स्थान पर, जल द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है, दूसरे स्थान पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मिट्टियाँ कैसे दूसरे स्थान पर पहुंच रही है, हमें इनका वो जानना है बस, पारिस्थितिक आधार पर। दूसरी है वातोड़ मिट्टी, वा से वातोड़, तो वा से वायु, यानी कि ये मिट्टी कैसी मिट्टी होगा, ये मिट्टी वायु द्वारा उड़कर जो दूसरे स्थान पर पहुंचती है उनको बोलते हैं वातोड़ मिट्टी। तो ये मिट्टी किसके द्वारा, ये मिट्टी कौन उड़ाएगी, हवा। तो ये मिट्टी वायु द्वारा उड़कर, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचती है, दूसरे स्थान पर पहुंचना, दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अब तो लिख लेंगे आप, जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अब शैल अथवा मलवा मिट्टी कौन सी, जो मिट्टी, इसको भी लिख लीजिए, जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा, पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है। दूसरे स्थान पर पहुंचती है उस मिट्टी को कहते हैं शैल अथवा मालवा मिट्टी। क्लियर सभी को? देखिए ये पॉइंट्स, ये टर्म्स, पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको? मैंने ए टू जेड आपका पूरा, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ इकार, ऑन द बेसिस ऑफ पारिस्थितिक, पारिस्थितिक आधार पर मिट्टी को इतने पार्ट्स में बांटा गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए अवशिष्ट मिट्टी, देखिए पारिस्थितिक आधार पर मिट्टी 1, 2, 3, 4, 5 पांच प्रकार की होती है। आवाज वाष्य आप इसकी याद रख लीजिए, आवाज वाष्य यानी अवशिष्ट मिट्टी, वाहित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वातोड़ मिट्टी, शैल अथवा मालवा मिट्टी। इंग्लिश में अवशिष्ट मिट्टी को रेजिड्यूल सोयल बोलते हैं, वाहित मिट्टी को इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेड सोयल बोलते हैं, रिपीट कर रही हूँ मैं, जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवियल सोयल बोला जाता है, उसके बाद वातोड़ मिट्टी को इंग्लिश में इओलियन सोयल की संज्ञा दी जाती है, इसके बाद शैल अथवा मालवा मिट्टी को इंग्लिश में कोल्लुवियल सोयल बोला जाता है। अब देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि ये अवशिष्ट मिट्टी है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अवशिष्ट मिट्टी आप कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करोगे, तो ये बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है, बनने के स्थान पर जो मिट्टी पड़ी रहेगी वो होगी हमारी अवशिष्ट मिट्टी, रेजिड्यूल सोयल। वाहित मिट्टी, ये मिट्टी बनने के स्थान से बहकर, देखिए वाहित लिखा हुआ है ना, तो कुछ थोड़ा इससे ही समझ लिया कीजिए कि वाहित मिट्टी यानी बहकर, बहकर जो आई हुई मिट्टी होती है। तीसरी जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी जैसे जल, शुरू में जल लिखा है जलोढ़, तो ये मिट्टी जल द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है, मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि दूसरे स्थान पर ये कैसे जा रही है। तो जलोढ़ मिट्टी दूसरे स्थान पर कैसे जा रही है, शुरू का जल, तो जल द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तीसरा वातोड़ मिट्टी, वातोड़ मिट्टी तो इओलियन सोयल बोलते हैं, ये मिट्टी वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचती है। क्लियर सभी को? बोलो यस मैम, क्लियर है, बिल्कुल आपके पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। चौथी बात करते हैं शैल अथवा मालवा मिट्टी की, इंग्लिश में इसे कोल्लुवियल सोयल बोला जाता है, जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसको बोला जाता है कोल्लुवियल सोयल। क्लियर सभी को? देखिए बताइए, ये मैंने आपको पूरे टर्म्स लिखवा दिए हैं वायु के द्वारा, आप देख सकते हैं पारिस्थितिक आधार पर मिट्टी कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, सब मैंने ए टू जेड आपको क्लियर करवा दिया है। और एक और टर्म्स लिख लीजिए मैम, देखना मैं इधर लिख सकती हूँ क्या एक बार, हाँ एक बार ये और टर्म्स याद कर लीजिए। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मैं शुरू की चार मिट्टियाँ बता देती हूँ कि भारत के क्षेत्रफल पर शुरू की चार मिट्टियाँ, यानी कि कौन कौन सी मिट्टी, चार मिट्टी भारत के क्षेत्रफल पर, चार मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पहली जलोढ़, लाल, काली
और लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट देखिए ये कितने परसेंट भाग पर पाई जाती हैं भारत के, ये कितने परसेंट भाग पर पाई जाती हैं भारत के, तो 43, 18, 15, 3.7 43, 18, 15 यानी कि 4 में पाई जाती है। 43% भाग पर भारत के जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 18% भाग पर भारत के लाल मिट्टी पाई जाती है, 15% भाग पर भारत की काली मिट्टी पाई जाती है, 3.7% भाग पर भारत की लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्लियर? देखिए सभी को 100% चीज़ें जो मैं आपको कह रही हूँ कि याद रखनी है, तो वो चीज़ें आपको 100% याद रखनी है। क्लियर सभी को? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप बताएंगे? इसका क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देखिए लिख देती हूँ, चलिए मैं पूरा, न्यू दिल्ली में। आगे बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, ये कहाँ पर है तो आप बताएंगे मैम ये भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल। और भोपाल कहाँ पर है? एमपी में। क्लियर सभी को? तो ये पॉइंट्स देखिए 100% आपको याद होनी चाहिए। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताइएगा। देखिए मैं एक बार सामने से हट जाती हूँ, आपको पूरा मैंने A to Z क्लियर करवा दिया है, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं। फिर आपकी जलोढ़ लाल काली मिट्टी बचेंगी, इनको हम बाद में कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताइए। देखिए लाइक शेयर करना ना भूलें, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप देखिए लाइक शेयर में बहुत कंजूसी करते हैं ये जो कंजूसी करने वाले हैं ना, ज़्यादा कंजूसी ना क्या करें। जब आपको समझ में आ जाती है ना चीज़ें, तो इंसान का जो आपको चीज़ें समझ में आ रही तो दूसरे को खुश भी तो करना चाहिए यार कि इसके माध्यम से हमने ये चीज़ समझी, हमने ये चीज़ें अच्छे से पढ़ी, तो हम क्या लाइक भी नहीं कर सकते? इतना तो हम कर सकते हैं ना, कुछ नहीं करते तो एक लाइक ही तो करने को बोलते हैं आपसे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके बताना ऑफलाइन कि आपको क्लास कैसी लगी। देखिए जैसी आपकी कमेंट्स आएगी तो हम वैसे ही तो अपने आप में सुधार करेंगे। आप बोलिए कि मैम ये करना है, ये टॉपिक करवाना है, वो करना है, तो आपका बिल्कुल, और बोलिए यस मैम ये क्लियर है सारा टॉपिक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को देखिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। मेरी तरफ से एक एक डाउट्स क्लियर करवाऊँगी और फिर दोबारा बोलिए लाइक शेयर ज़रूर करिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।